धान खरीदी में तौल को लेकर के व्यापक गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आ रही हैं। किसानों से अधिक धान प्रति कट्टा लिया जा रहा है। महासून के किसान का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि एक किसान से तो 8 क्विंटल अधिक धान लिया गया है, जिससे उसे 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है। धान खरीदी में तौल को लेकर के व्यापक गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही है। महासमुंद के एक किसान के अनुसार उसके धान के तौलाई में लगभग 20,000 रुपए का नुकसान किया गया है। किसान के अनुसार उसके 400 कट्टा धान में 2 किलो प्रति कट्टा ज्यादा तौलने की वहां पर शिकायत मिली है। जांजगीर जिले में तो किसानों से कहा जा रहा है कि आप अपने धान तौल करके लाइए और प्रति कट्टा 41.5 किलो धान भर करके लाइए। इस प्रकार से देखा जाए तो किसानों के तौल के मामले में ही लगभग 5% से 7% धान ज्यादा लेने की तैयारी या इतना पूछाकड़ी सरकार ने रचा है, और ये जो ज्यादा पैसा धान का के रूप में मिलेगा उनको, उसी पैसे की बंदर बांट की तैयारी आपस में कांग्रेसियों ने करके रखी है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले कांग्रेस एक नेता के एक ऑडियो रिकॉर्ड जो है वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहा था कि जितने लोगों को समिति के संचालक मंडल में आना है वो कुछ रुपया दें, क्योंकि आने वाले समय में धान खरीदी होगी और जब धान खरीदी होगी तो हरेक व्यक्ति को 5 से 7 लाख रुपए कमाने का अवसर मिलेगा। तो अब जाकर के खुलासा हुआ है कि आखिर प्रत्येक समिति के जो संचालक मंडल के सदस्य हैं उनको 5 से 7 लाख रुपए कैसे कमाना पड़ेगा। तो ये जो ज्यादा पैसा लोग कमा रहे हैं, कांग्रेस के नेता जिनकी नियुक्ति हुई है, स्पष्ट है किसानों के गला मरोड़ करके ये पैसा ले रहे हैं। किसानों के ज्यादा धान तौल रहे हैं और बाद में उसी तौल के धान को एडजस्ट करके पैसा बनाया जाएगा। तो कुल खरीदी जो आज प्रदेश में हो रही है, अगर उसके 5 से 7% धान जो अतिरिक्त ले रहे हैं, यदि उसको हम रुपया में बदलते हैं तो ये रुपया भी लगभग 700 करोड़ रुपया के आसपास होता है। तो यह जो 700 करोड़ रुपया है, इस रुपया की बंदरबांट आपस में जो समिति के जो नवनियुक्त, जो भ्रष्ट तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इनको नियुक्त किया है, ऐसे सदस्यों को प्राप्त होगा। और शेष पैसा जो है एटीएम जो बनी हुई है कांग्रेस पार्टी यहां पर केंद्र की, वो एटीएम में वहां से पैसा घुनाने की एक तैयारी हो रही है। यह एक घोर निंदनीय कार्य है और किसानों के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार है। ऐसे अत्याचार की मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूं और भूपेश बघेल जी से मांग करता हूं कि वे तौल की प्रक्रिया को सुधारें। जिन किसानों से ज्यादा धान ले लिया गया है उनको अधिक धान का भुगतान करें।